विजयनगर पुलिस ने ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो पुलिस को देखते ही नौटंकी करने लगता है। नाटक भी कुछ ऐसे ही कि कभी बेहोश हो जाता है तो कभी अपने आप को नशे का इंजेक्शन लगाकर पुलिस को ही डरा देता है। पुलिस ने भी इस चोर को सलाखों के पीछे डालने के लिए कमर कस रखी थी। शातिर चोर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया और अब सलाखों के पीछे है। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार स्कीम नंबर 78 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण परिसर के एक सूने मकान में चोर वारदात की नियत से घुसा था। सूचना मिलने पर बीट जवान मौके पर पहुंचे तो चोर उन्हें देखकर बाथरूम में जाकर छिप गया। इसके बाद नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोशी का नाटक करने लगा। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसे निकाला। हालांकि पहले उसे अस्पताल दिखवाया, उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी रोहित पर अलग अलग थानों में कई अपराध दर्ज है, लेकिन वह पुलिस गिरफ्त में आते ही बेहोशी और उल्टियां होने की नौटंकी करने लगता है। जिसको गिरफ्तार किया उसके एक दिन पहले एक नागरिक ने सूचना दी थी कि उसके पड़ोस में कोई ताला तोड़ के चोरी का प्रयास करा है, तो उस पर बीट भेजी थी। तब चोर भाग गए थे, पकड़ नहीं पाए थे, चोरी भी नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने हिदायत दी थी आसपास वालों को, जो चौकीदार वगैरह रहते हैं उनको बताया था कि कभी भी कोई संदिग्ध घूमता दिखे तो बताएं। तो एक सूचना मिली कि एक घर के अंदर कुछ घुसे हैं चोर और चोरी कर रहे हैं। सूचना पर हमने दो बीटों को भेजा, चारों तरफ से उस घर की घेराबंदी करा ली। चोर ने भागने की कोशिश की, परंतु उसने देखा कि चारों तरफ पुलिस लगी, नहीं भाग पाया। तो वो घर के अंदर में जो बाथरूम होता है, बाथरूम में घुसा, उसने इंजेक्शन नशे का खुद को लगा लिया और इंजेक्शन अंदर ही हाथ में लगा रहने दिया और वहीं पर था। जब पुलिस अंदर गई, अंदर जाके देखा तो बाथरूम में वो ऐसा बेहोश टाइप लेटा पड़ा था। पुलिस ने उसको देख कर उसको पहले अस्पताल भिजवा के उसका इलाज करवाया, दिखाया। डॉक्टर ने उसको बताया ठीक है, इंजेक्शन लगवा लिया इसने। फिर जब उसका नशा उतरा, उसको अरेस्ट किया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जेल गया है। ये आदतन चोर है। ये MIG में भी इसके खिलाफ 10-15 अपराध दर्ज हैं, जिसमें से 10 चोरी के ही अपराध हैं। और जब भी इसको पकड़ते हैं ये इसी प्रकार के नाटक करता है, मुंह से फेंक्स निकालता है, खून की उल्टी करने लगता है, जिसको देख के ताकि पुलिस घबरा जाए, उसको अरेस्ट न करे। परंतु पुलिस द्वारा इसकी बार बार सुने घरों में चोरी करने में कारण इसको गिरफ्तार किया और इसको जेल भेजा।